अनुसूचित जाति विभाग ब्लॉक कांग्रेस ने धैन बसेरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नंदलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के अध्यक्ष चुन्नीलाल ने की। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। अनुसूचित जाति विभाग ब्लॉक कांग्रेस ने रविवार को रैन बसेरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नंदलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के अध्यक्ष चुन्नी लाल ने की। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। रामपुर के विधायक नंदलाल ने अपने भाषण में प्रदेश की भाजपा सरकार और मोदी पर खूब टिप्पणियां की, लोगों से इस लोकसभा चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उसके जो झूठे वादे हैं, इसके खिलाफ प्रचार चल रहा है, और जिस तरह हिमाचल की जो सरकार है, इसकी भी पिछले डेढ़ सवा साल के ना कुछ किया काम, उसकी भी हम उजागर करेंगे और इन बातों को लेकर। दूसरी ओर भाजपा से जुड़े संगठन बाबा भीमराव अंबेडकर संस्था ने संविधान निर्माता की 128वीं जयंती नगर परिषद सभागार में मनाई। योजना आयोग के सदस्य पीएस दरेक बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने कार्यक्रम में बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। दरेक ने कहा कि डॉक्टर साहेब के प्रयासों से ही दलित समुदाय को सम्मानजनक जीवन जीने तथा समानता का अधिकार मिला है। नाम का जो है एक शब्द दिया, लेकिन अंबेडकर और गांधी जी के विचारों की भिन्नता के चलते अंबेडकर जी ने गांधी जी से सवाल पूछा था कि हम क्या। रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम नवमी के पर्व पर सत्यनारायण मंदिर में राम जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर में भजन कीर्तन के बाद रामपुर बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री देव कुमार नेगी ने कहा कि भगवान राम समस्त मानवता के आराध्य देव एवं आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि त्रेता युग में राम का जन्म हुआ तब तक इस्लाम, ईसाइत और अन्य किसी भी धर्म का प्रभाव धरती पर नहीं हुआ था। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।